तो किसी भी लगी हुई कंडीशन फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपके सामने मैनेज रूल होता है। इस मैनेज रूल्स पे क्लिक करेंगे और आप अपनी वैल्यू को क्लिक करके चेंज कर सकते हैं यहां से कि 50 नहीं, यहां पे 60 होना चाहिए। और फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं कि फॉर्मेटिंग ऐसे होनी चाहिए एंड ओके करें यहां पे। तो इसके अंदर देखिए जो लगे हुए इसमें क्या है, टॉप फाइव का पहले से लगा हुआ था और मैंने कहता था 60 लगा दिया, तो जितने भी लगाएंगे वो आएगा। तो सबसे ऊपर वाला क्या है, 60 है, तो ये दिखेगा ये नहीं दिखेगा। अगर सेम कंडीशन दोनों को मैच करती है ना सर, तो ये वाली कंडीशन नहीं शो होगी, सिर्फ ये शो होगी। ओके, सीक्वेंस होता है। अगर किसी को डिलीट करना चाहते हो कि मुझे एक को डिलीट करना है, तो यहां से डिलीट कर दोगे, डिलीट करके अप्लाई कर सकते हो। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम इस तरह से चेंज करते हैं। तो क्या हम बाकी चीजों पे चेंज कर सकते हैं? हम हाँ, हर फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डेटा बार लगा दिया। अब डेटा बार में थोड़ी सी अपने हिसाब से एडिट करना है, तो यहाँ हम मैनेज रूल में आ गए हैं और इस पर डेटा बार पर डबल क्लिक करते हैं। तो डेटा बार यहाँ पे दिख रहा है, अगर हमने लिख दिया शो बार ओनली, तो आपका जो वैल्यू है ना वो शो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ ऑटोमेटिक आता है कि भाई ऑटोमेटिक मिनिमम और मैक्सिमम को अपने को डिवाइड कर रहा है। आपके पास अपना कुछ है कोई पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा हो, या कोई परसेंटेज है, या कोई फॉर्मूला है, आप यहाँ पे डाल सकते हो। और आप अपनी कलर भी चेंज कर सकते हो कि भाई ए रेड होना चाहिए और ए जो है आपका ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। नहीं माफ कीजिए, बॉर्डर है, मतलब कि ए आपका ग्रीन होना चाहिए और इसकी बॉर्डर जो है वो रेड होनी चाहिए। देखिए बॉर्डर रेड हो गया। यहां से ले सकते हैं, यहां से फील के टाइप चेंज कर सकते, सॉलिड फील है या ग्रिलेंट फील है। अब इसको ओके कर देंगे, उसी हिसाब से आपका यहां पे शो। तो डेटा बार को भी चेंज कर सकते हैं और कलर स्केल को भी चेंज कर सकते हैं, आइकन को भी चेंज कर सकते हैं। अब आइकन को कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अलग से एग्जाम्पल मैं यहां बना रहा हूं कि यहाँ पे नेम है, नेम ऑफ द लिस्ट हम यहाँ पे देता हूं, जैसे कि पूजा नीरज इस तरह से, और यहाँ पे सेल्स। हो गया। अब मुझे क्या करना है कि ये सेल्स नहीं है, मान लीजिए स्कोर है, तो यहां 42 माफ कीजिएगा ग्रेटर देन 60 हुआ उसको पास देना है। 42 60 वाले को यहां मुझे रीटेस्ट देना है कि रीटेस्ट होगा, और लेस देन 40 वाले को फेल करना। तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो इफ के फॉर्मूले से लगे, क्योंकि ये मल्टीपल स्लैब वाइज कैलकुलेशंस है। इसको हम कंडीशन फॉर्मेटिंग से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे आइकन सेट ए ले लेते हैं। मतलब जो टिक का निशान है वो क्या है, आपका पास हो गया, क्वेश्चन मार्क रीटेस्ट और क्रॉस जो है वो फेल है, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। लेकिन 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 अभी यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई कि जो आप यहाँ देख पा रहे हैं और यहाँ जो देख पा रहे हैं ये इनसे लिंक नहीं है। अब इसको क्या पता कि आपकी क्या कंडीशंस है, तो कंडीशंस आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बताना पड़ेगा। तो आपको जाना होगा मैनेज रूल्स में और आइकन सेट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ आपके सामने कंडीशंस होंगे। तो ये परसेंटेज है, देखिए आपका यहाँ पे वैल्यू नंबर हो या परसेंटेज हो, आपको यहाँ पे नंबर ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि तो एक्सेल का परसेंटेज एक तरह से नंबर ही होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 60 से बड़ा और 40 to 60 और 40 से नीचे, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिख गया। अप्लाई एड। अब मैं यहाँ पे 3 2 1 लिख दिया और इसको सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन्स इस्तेमाल कर लेता हूं, ताकि पता रहे कि ये क्रॉस किसका है।
वन, अब यहाँ पे 3-1 लिखा हुआ आ रहा है, कंफ्यूजन हो सकता है सामने वाले को देखने में, आपसे पूछ सकता है क्या कि 1-2-3 है क्या, तो आप क्या करें, यहाँ पे दिख रहा होगा शो आइकन ओनली, इस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आइकन ही शो करेगा, आपकी वैल्यू नहीं शो होगी। अब इसका यूज और भी सीओ में हम करते हैं, क्या होता है कि कभी कभी हमें बोला जाता था कि मुझे डेटा वार बना के दो, बट वो चाहते थे कि जो डेट वो जो चाहते थे कि जो डेटा वार हो वो नंबर के ऊपर ना हो, क्योंकि डेटा वार मैंने बोला था आपको सुनना है कि क्या कौन सी बड़ी बात है, क्लिक करके लगा लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, ये अगली सेल में यहाँ, अब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कंडीशन कहीं और डेटा वार कहीं और आएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, इक्वल करके उस वैल्यू को मैच लिंक कर देते थे। लिंक करने से फायदा होता है कि जब ए चेंज होगा तो बी चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे अपना डेटा बार लगा देते थे, उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल्स पे जाते थे और यहाँ पे सिर्फ बार ओनली या आइकन ओनली पे क्लिक कर दिए एंड अप्लाई कर दिए, तो देखिएगा कि आपका ऐसा लग रहा है कि से बार चार्ट बना हुआ है। ठीक है अखिलेश जी, अब बस अभय जी समझ में जी आया, सर, जी सर, जी डाउट तो नहीं इसमें, सर, डाउट हो तो पूछ सकते हैं, किसी को डाउट हो तो पूछ देखिए सकता है। मैं माय 11 सर्कल ऐप पे 1 रुपए में एक, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस सर, अभी नॉर्मल चीज हो गई, अब चलिए हम बात करते हैं अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स की तरफ, या फिर यहां आपके सामने मैनेज रूल्स होता है ना, तो इन मैनेज रूल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपको मोर रूल्स आपको दिख रहा होगा, मोर रूल्स पे जब जाते हैं तो बाहर से ज्यादा यहाँ अंदर फीचर्स है, जैसे मैंने कल बताया था ये कल बाहर बिटवीन था, नॉट बिटवीन नहीं था, तो यहाँ पे आपको नॉट बिटवीन मिलेगा, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इस सारा का सारा आप यहाँ से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आपके सामने अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे मैंने लिख लिया नॉट बिटवीन, यहाँ पे मैंने दिया 40 और यहाँ दिया हमने 80, और फॉर्मेट सेल पे गया और यहां हमने अपना फॉर्मेट चूज कर लिया एंड ओके कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपका फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे और भी जैसे सेल वैल्यू टेक्स्ट करते हैं, तो हमने आपको याद होगा कल बताया था टेक्स्ट दैट कंटेन, तो टेक्स्ट दैट कंटेन में यहाँ पे नॉट कंटेनिंग, बिगेन विथ, एंड विथ भी यूज कर सकते हैं। कंटेनिंग मतलब हुआ कि जैसे कि आपने बोला कि पूजा हो, तो पूजा सिंह हो, चाहे पूजा शर्मा हो, चाहे पूजा कोई भी पूजा हो, लेकिन पूजा होना चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पे बिगेन विथ कर दिया, तो पूजा स्टार्टिंग में होना चाहिए, पूजा के बाद पूजा शर्मा हो, पूजा सिंह हो, पूजा मनी हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एंड विथ में पूजा से खत्म होना चाहिए, कि कुमारी पूजा हो, कुमार पूजा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड में होना चाहिए, टेक्स्ट पे होता है। ऐसी डेट ऑफ नहीं, जो बाहर पढ़ा था वही है, ब्लैंक सिर्फ ब्लैंक को हाईलाइट करेगा, नो ब्लैंक, ब्लैंक को छोड़ के सबको हाईलाइट करेगा, एरर्स, एरर भी एक काम हम कर सकते हैं, क्या होता है कि हमारे पास कुछ डेटा, मान लो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं डेटा के अंदर, तो हमारे पास डेटा के अंदर कुछ एरर्स भी आते हैं, कुछ नंबर, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लुकअप किया तो हमारे पास कुछ डेटा भी आया, कुछ लुकअप भी आया, आ गया। अब मुझे क्या करना है कि इस जो एरर्स है, एरर को शो नहीं करना है, मैं चाहता हूं कि एरर जो हो, एरर शो ना हो, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम जाते हैं न्यू रूल्स और यहां फॉर्मेट ओनली सेल कंटेन और यहां एरर को चूज करते हैं, और हम फॉर्मेट में जाके इसकी जो कलर है वो कलर, इसी कलर तो रख, माफ कीजिए, नो कलर करेंगे, बैकग्राउंड कलर नो कलर होगा,
बॉर्डर कलर भी सेम रहने देते हैं, यहाँ पे फॉन्ट के अंदर जो फॉन्ट के कलर है वो चूज करके हम चेंज कर देते हैं। तो फॉन्ट कलर जो है हमने क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया। तो बैकग्राउंड यहाँ पे व्हाइट है और फोरग्राउंड अगर व्हाइट हुआ तो व्हाइट पे व्हाइट तो दिखेगा नहीं। ओके तो एक्चुअली में ए फॉर्म एरर यहाँ पे है, बट व्हाइट से पेंट हो गया जिस कारण से इसमें विजुअल नहीं हो रहा। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? डाउट तो चैट कर सकते हैं। हाँ नहीं नहीं सर। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं अगली क्लास की तरफ। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब कि मैं कंडीशन कहीं और लगाना चाहता हूं, रिजल्ट कहीं और देना चाहता हूं, समझ गए? जैसे कि मैं अभी जो चाहता हूं कि क्वांटिटी है और जो मेरी रेट है वो 20 रुपीज पर पीस के हिसाब से रेट है। तो यहाँ पे अगर 50 × अगर 20 होता है तो रिजल्ट आता है 1000, ठीक है? तो 20 रुपीज पर पीस है, तो हम चाहते हैं कि अगर जिसका अमाउंट, अब यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया हुआ है बट मैं बैकग्राउंड में कैलकुलेट करूंगा कि जिसका अमाउंट मोर देन 1000 है उसका पूरा डेटा हाईलाइट हो जाए कुछ इस तरह से। तो मतलब कि हम कंडीशन कैलकुलेट करके कंडीशन लगाना चाहते हैं क्वांटिटी के ऊपर, लेकिन कलर को करना चाहते हैं ए से लेके एफ तक, मतलब कि एसआईडी से लेके डेट तक। तो याद रखिए जब भी आप फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा तो सिंगल सेल सिलेक्ट कीजिए, बहुत जरूरी है। फॉर्मूला का इस्तेमाल करते समय सिर्फ सिंगल सेल की ही सिलेक्शन करें, उसके बाद न्यू रूल्स में यूज फॉर्मूला पे आ जाएं। न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, और यहां मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया कि क्वांटिटी मतलब कि D2 × 25 इज ग्रेटर देन 1000। अब D2 में हम D को फ्रीज कर देते हैं ताकि हम जो इसको ड्रैग करें तो DEF ना हो, बट 2 को फ्रीज नहीं करेंगे ताकि मैं टॉप टू बॉटम इसको ड्रैग करूं, मैं फॉर्मेट पेंट करूं तो 2, 3, 4 इंक्रीज हो। और फिर यहाँ पे फॉर्मेटिंग में गया और हमने बैकग्राउंड फिल को लेके येलो कर दिया या जो कलर आपको चाहिए वो कर दीजिए। ओके और फिर फॉर्मेट पेंटर से हम पूरे डेटा को जहां तक आपका डेटा है उसको पेंट कर दीजिए। हो गया? समझे सर? एक बार शुरू से बताइए ना। अच्छा चलिए, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझिए कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हम चेक करना चाहते, हमें क्या है कि 1000 से ऊपर की बिलिंग को हाईलाइट करना कि जिसकी अमाउंट 1000 से ज्यादा हुआ। प्रॉब्लम ये है कि दो प्रॉब्लम है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मैं मेरे डेटा में कहीं भी अमाउंट का फिगर नहीं, बट क्वांटिटी है और हमारा रेट फिक्स है 20 रुपीज पर क्वांटिटी, ठीक है सर? तो हमें अमाउंट निकालने के लिए क्वांटिटी और में मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो अमाउंट निकलेगा। अगर वो अमाउंट 1000 से ज्यादा हुआ तो हमें पूरा का पूरा डेटा को हाईलाइट करना, उस रो को हाईलाइट कर देना है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आपको एक डेटा के स्टार्टिंग में सिंगल सेल पे सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में जाएंगे, सबसे लास्ट यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहां पे हम फॉर्मूले का कैलकुलेशन करेंगे कि डी टू मतलब की क्वांटिटी 25, डी टू मल्टीप्लाई बाई 20 इज ग्रेटर देन 1000। अब ये डी टू है उसमें डी को फ्रीज कर देना है डॉलर साइन से ताकि जब मैं उसको ड्रैग करूं तो डी ई एफ जी ना बने, क्योंकि डी कॉलम हमारा फिक्स है। बट टू को फ्रीज नहीं करना है ताकि हम ऊपर से नीचे की तरफ फॉर्मेट पेंट करें तो 2, 3, 4, 5, 6 हो, ठीक है? क्लियर है सर? यस सर, यस सर। अब अपना फॉर्मेटिंग लगाइए, देन ओके कीजिए, देन ओके, और यहां फॉर्मेट पेंटर से इसको पेंट कर दीजिए।
ओके, वो इंटरनल कैलकुलेट कर लिया उसके बाद वो रिजल्ट दे दिया जी। हाँ बच गया? यस। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई इसमें टैक्स भी ना लिखे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें एमआरपी डिस्काउंट ऐसे कुछ लिख देते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ नंबर ही। तो कैसे पता चलेगा? पहले आपको फॉर्मूला पता करना होगा कि नंबर है, कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इज टेक्स्ट का। अगर टेक्स्ट हुआ तो ट्रू आएगा, नंबर हुआ तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स के अंदर यूज फॉर्मूला और यहां इक्वल करेंगे इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन ए टू। अब इसमें इक्वल टू ट्रू, क्योंकि ट्रू फॉल्स पे वर्क करता है, तो इक्वल टू ट्रू वगैरह करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट पे जाइए, कलर को सिलेक्ट कीजिए, देन ओके, और फॉर्मेट पेंटर से नीचे की तरफ पेंट कर। अब जैसे कोई टेक्स्ट लिखेगा ये हाईलाइट किया, इस तरह से इसके अंदर हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अब इस पर ज्यादा एग्जाम्पल मैं अभी नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मेरे यहाँ टोटल तीन क्लास होती है। जो एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो दूसरा पार्ट होता है वो फॉर्मूला बेस्ड, वो हम कराते हैं जब आपको फॉर्मूला पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम स्किप करते हैं और आगे की जब फॉर्मूला पढ़ लेंगे तो इसको हम फॉर्मूले वगैरह से ट्राई करेंगे, ठीक है। यस सर। तब तक आप लोग जो है इसकी पूरी प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में हम इससे आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आपको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ अभय जी, आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, मैं थोड़ी देर में भेज देता हूँ आपको, ठीक। ओके बाय, सी यू टुमारो सर, हैव अ नाइस डे।